नमस्कार, मैं एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का नव समाचार पे। मैं हूं आपके साथ आस्था शुक्ला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी काफी कमजोर होती नजर आ रही। पार्टी के विधायक देवेंद्र बावली ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके अलावा सोमवीर सांगवान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं ये नेता बीजेपी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जारी है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी जननायक जनता पार्टी को छोड़कर विधायक देवेंद्र बबली और चरकी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। अब विधानसभा चुनाव में ये दोनों नेता बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देवेंद्र सिंह बाबली का जन्म 7 अगस्त 1970 को गांव बाड़ेखेड़ा में हुआ था। वह क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा कप्तान उमराव सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद सेना के 10 कैप्टन में शामिल थे। यही वजह है कि देश सेवा का जज्बा उनमें राजनीति में ले आया। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने टोहाना से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वह इसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। टिकट नहीं ही मिलने पर जेजेपी का दामन थामा था। विधानसभा चुनाव 2019 में देवेंद्र बावली 52,302 वोट के बड़े अंतर से जीतकर पहली बार विधायक बने। इस चुनाव में बावली ने कुल 1,752 वोट हासिल। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए नव समाचार बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।